त्रिकल साहब, इलेक्शन नजदीक आ रहा है। हाँ, तो अगर आप मेरे कैंडिडेट की घोषणा कर दें तो मैं नामांकन दाखिल करके इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दूं। धन्यवाद धन्यवाद। सुनो जगेश्वर, हमने जनरल बॉडी मीटिंग में ये फैसला किया है कि इस बार ये टिकट काशी को ही देंगे। ये क्या कह रहे हो, ये तो गलत है। मार काट खून खराबा करके हर बार जेल की हवा मैं खाता आ रहा हूँ। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कई सालों से काम कर रहा हूँ, और अब आपके लिए कल का आया वो लौंडा मुझसे ज्यादा खास हो गया। अरे तू एक गुंडा है, बात को समझा कर। इलेक्शन जीतने के लिए हमें क्लीन आदमी चाहिए, और काशी ही एक ऐसा है जो हमें जीत दिला सकता है। फ्रंट में वो चेहरा होना चाहिए जो लोगों के दिलों में बसता है, और इतना याद रखना, तुम्हें ही उसे जिताना है। हाँ, नमस्ते नमस्ते। अरे तुम्हारे नाम पर तो कुत्ता भी वोट देने नहीं आएगा। आपको काशी ने कितने पैसे दिए, आप बेच चुके हो। आपको फैसला बदलना होगा। नहीं बदल सकता, मुझे टिकट चाहिए। नहीं हो सकता, ये पार्टी का फैसला है, तुम उनके लिए ही काम करो। चलो मानते आप बूढ़े हो गए, लेकिन काशी को टिकट देने के बजाय वो टिकट मुझे दे सकते थे। आप सिर्फ आवाज कीजिए पापा, उस काशी को तो मैं चुटकियों में मसल दूंगा। पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ। कुछ दिन कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, जाओ अंदर जाओ। पर पापा। कहा ना अंदर जाओ, सुनाई कम देता है क्या? सुनो बेटे, हमारे आदमी इस काम को अंजाम नहीं देंगे वरना मामला बिगड़ जाएगा। जग्गा, सूर्य को फोन लगाओ। आप भी ना। हेलो, एक मिनट रुक भाई, सूर्य लाइन पर। हेलो सूर्य, आज फिर किसी को हलाल करना है। काशी अंगारा को मारने के लिए उस्मानवाड़ी से गुंडे आए हैं, वो मंडी गेस्ट हाउस में रुके हैं। तुम सिर्फ काशी का फोटोग्राफ उन तक पहुंचा देना, बाकी सब वो संभाल लेंगे। काशी बहुत ही खतरनाक खोपड़ी है, एक चीज ध्यान रखना कि वो बच के ना जाने पाए। ठीक है। डैशिंग, डायनामिक, बिल्कुल नहीं है, ये है सिंपल ऑर्डिनरी। आप ही में से एक बॉय नेक्स्ट डोर, पर गली गली में है शोर कि बंदे में है जोर, ये है हमारा हीरो रॉकी। दूध पीकर रोज सिक्स पैक्स बनाने के बजाय ये रोज जॉगिंग करके एक पैकेट दूध ले आता है। भाई इसका दिमाग उबलने में वक्त जरूर लगता है, पर दूध उबालकर कॉफी ये झटपट बना लेता है। ये हैं रॉकी के जॉकी फादर। जॉकी इसलिए क्योंकि रॉकी की लगाम हर वक्त इन्हीं के हाथों में रहती है। पापा कॉफी टेबल पे रख दो। माँ कॉफी ला जल्दी दे, मुझे नाश्ता बनाना है। ये हैं रॉकी के बड़े भाई गौतम, बैंक में मैनेजर है। ये रॉकी की सबसे बड़ी भाभी कौशल्या, ये शहर के कॉर्पोरेशन सेक्शन में काम करती हैं। मम्मी ड्रेस पहनाई है ना? लड़कियों की तरह कितनी बार नहाते हो, सारा पानी खत्म हो जाता है। चलो जल्दी, ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, इसे कपड़े पहनाकर स्कूल छोड़ देना। चलो बेटा, और हाँ, ट्यूशन के बाद इसे घर भी ले आना। ये है रॉकी का दूसरा भाई अशोक। हर रोज सुबह सुबह तुम्हारी वजह से लेट हो जाता हूँ यार। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। कितना टाइम लगाती हो? और ये छोटी भाभी कविता, MIT कॉलेज में लेक्चरर। अरे जल्दी चलो, तुम्हें स्कूल भेजकर मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। रॉकी। जी भाभी। शाम को प्रोफेसर गीता के घर पर फंक्शन है। हाँ। और साड़ी मैंने ड्राई क्लीनिंग को दी है, प्लीज ले आओगे? हाँ ले आऊंगा। ये है रॉकी की छोटी बहन संध्या, M.Com कर रही है। डैडी मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। और कंप्यूटर पर बैठे ये जनाब है शिव, रॉकी का छोटा भाई। डैडी एक्चुअली मुझे कॉलेज के पिकनिक के लिए 1500 रुपए चाहिए थे। ये 500 रुपए एक्स्ट्रा रख लो, काम आएगा। थैंक यू डैडी, थैंक यू, बाय मॉम। संभल कर जाना। पापा मुझे भी 50 रुपए चाहिए। क्यों लाड साहब? वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इस बार मैं जरूर 10वीं पास कर लूंगा। तुमने कहा और तुम हो गए। पास होने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है जनाब। तुम्हारा छोटा भाई कैंपस इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएगा, मेरिट में आकर उसे जॉब भी मिल जाएगी, और फिर वो अमेरिका में सेटल हो जाएगा। और तुम फीस के नाम पर मेरे बहुत 100 रुपए बर्बाद कर चुके हो। तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे बाद स्कूल गया, फिर तुम्हारे साथ पढ़ा, फिर छलांग लगाकर वो तुमसे आगे निकल गया। तुम डफर थे, डफर हो और डफर ही रहोगे। जाओ जाकर कपड़े धो। सुनिए शांत हो जाइए, मैं समझाती हूँ ना। लीजिए पानी। क्या सुबह सुबह तुम्हें, आपका बीपी हाई हो जाएगा।
क्यों नाश्ता तो अरे तू तो अपने पापा को अच्छे से जानता है ना, सब ठीक हो जाएगा। इस घर में अगर कोई मरहम लगाने का काम करता है तो वो है रॉकी की माँ। हमारा हीरो पड़ गया है बिल्कुल अकेला। क्या अबे? जगेश्वर भाई का आदमी हूँ, सूर्य। अंदर आ। क्या बोले जगेश्वर भाई? भाई ने आपके लिए ये पैसे भेजे हैं। एकदम कड़क है। काशी को मारने के लिए आपने कोई प्लान या तरीका सोचा है? अरे साला, उस 2% रोड छाप मवाली के लिए मैं प्लान बनाऊं? सामने तो आने दे, बकरे की तरह बोटी बोटी काट डालूंगा, देख लेना। आप काशी के बारे में जानते हैं? उसका बैकग्राउंड मालूम है आपको? वो बहुत खतरनाक आदमी है। ए, वो काशी मेरे सामने दूध पीता बच्चा है। फोटो दे उसकी, गोली सीधा भेजे में फटा। लीजिए। हाँ भाई, ये सूर्य तो अस्त, मैं अमावस्या हूं। काशी अंगारा साले। हेलो छोटे। हाँ भाई, जगेश्वर ने जिन गुंडों को मुझे मारने भेजा था, मैंने उन्हीं को नरकवासी बना दिया। आज से मारकाट के सारे धंधे बंद करके मैं पॉलिटिक्स में उतर रहा हूँ, बड़ा हाथ मारने के लिए। तो मुंबई पर जहाँ आज तक मेरा राज था, मैं चाहता हूँ कि आज से तू उसे संभाले। गुंडा राज का पहला नियम, विरोधियों को रास्ते से हटाओ। शहर में सिर्फ एक ही गैंग चले, इसलिए जगेश्वर और उसके गैंग को आगे, उसके एक एक आदमी को चुन चुन के मारो। नॉमिनेशन फाइल करो, काफी देर हो चुकी है। मैडम ये लीजिए, फोटो खींचो। मैंने काफी बड़े बड़े नामों को छोड़कर तुझे चुना है, तुझे ये सीट जीतनी ही होगी। समझ लो कि भाई इलेक्शन जीती गए। हार जीत का सवाल तो तब होगा ना जब हम किसी को नॉमिनेशन भरने देंगे। हाँ छोटे भाई, पूरी गैंग को लेटा दिया। योगेश्वर लंबा हो गया, कांटा हट गया। अंगारा का भाई है। नहीं जाने दो, कोई बीच में मत। ए मने, एक कटिंग देना। ये लो। क्या हो रहा है वहां पर? वो काशी अंगारा का भाई एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है। इनमें से कोई भी तुझे बचाने नहीं आने वाला। तेरे बाप को तो मार डाला, अब तेरी इज्जत लूटूंगा। कौन था वो? उस गुंडे ने मेरे पिताजी और मेरे भाई को मार डाला और वो मुझे भी मारना चाहता था। ऑटो रेलवे स्टेशन छोड़ देना। ओ हीरो,
छोटे 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 भाई, ये पप्पू भाई के खूनी को जानता है। तू उसे पहचानता है? मैंने उसका फोटो खींचा भाई। बड़ा कर, हाँ और बड़ा कर, प्रिंट कर इसे। साले तू मेरे भाई को मार कर ये शहर छोड़कर भाग गया था ना? Hey, हर जगह इसकी फोटो भेजो। बेंगलोर, मद्रास, मुंबई, कोलकाता, हरियाणा, हर स्टेट, हर शहर में अपने आदमियों को इसके पीछे लगा दो। उनसे कहो मुझसे एक खोखा ले लो, लेकिन इसको जिंदा ही पकड़ना। चाय की टपरी पर बैठे ये दोस्त ही रॉकी की दुनिया है, जिनमें ये हैं ओबामा, ये हैं हिटलर और ये हैं मुशर्रफ। मुशर्रफ, चाहे इस बार बीजेपी सत्ता में आए, कांग्रेस या थर्ड पार्टी, चाय के बारे में उन्हें सोचना चाहिए। जिस तरह से स्कूलों में फ्री मिड डे मील देते हैं ना, वैसे ही वो हम जैसे बेरोजगारों को फ्री मिड डे चाय नहीं दे सकते। अबे सुन हिटलर, जिस दिन कोई चाय वाला इस देश का पीएम बनेगा तो ये भी हो जाएगा। अरे नालायको, सुबह से एक ही अखबार को तुम सब मिलके चार बार पढ़ चुके हो। दोपहर होने को आई, एक कप चाय तो ऑर्डर करो। फ्री में है तो बोल। लुखो, चाय की दुकान है इसलिए चाय फ्री में मांग रहे हो। जहर की होती तब मांगते। अगर चीज फ्री की है तो जहर भी चल जाएगा। काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। एक दिन मेरे दोस्त के अनाज के गोदाम होंगे। तुम लोगों को किसी बात की शर्म नहीं है? अरे तुम हमें शर्म का पाठ पढ़ा रहे हो। बेईमान, अपनी चाय देखिए, चाय में कभी बाल निकलता है, कभी उसमें से मरी हुई मक्खी निकलती है, कभी दिल पे कॉकरोच चाय में स्विमिंग कर रहा होता है। तेरी चाय जो पिएगा उसकी लीवर किडनी रुक जाएगी, पर उसे पीने वाला चल बसेगा। हेलो हीरो आ गया। हमारे ग्रुप का सबसे मालदार बंदा आ गया। रॉकी, सुबह से कटिंग चाय का एक घूंट पीने के लिए तरस गए हैं। कमोड़ पर बैठकर पेपर पढ़ने के बजाय यहाँ पढ़ रहे हैं। अपने जेब से नोटों की गड्डी निकाल, उसके मुंह पर मार और चार चाय बोल। एक कटिंग और एक सिगरेट। अरे यार, अरे मंथ एंड है यार, पॉकेट खाली, पैसे दी एंड। रॉकी, तू हमारी आखिरी उम्मीद था रे। तू पलट गया, अब मैं कहाँ सर रख के रोऊं। सुन मुशर्रफ, दादा थोड़ा गलत संभाल लेना, मेरा टकला फट रहा है। मैं कटिंग दारू मार के आता हूँ। मैं भी चलूँ क्या? पिछली बार आया था तो चकने का दारू से ज्यादा पिला। खुद दारू अंदर करते हो और मेरा बटवा बाहर निकालने को कहते हो। सब कुछ फुकट का ही खाना पीना है, उल्लू का पट्टा। मैकेनिक दादा है क्या? वो टंकी फुल करने गए, क्या काम है? मंडे को मैंने उन्हें गाड़ी रिपेयरिंग के लिए दी थी। हाँ तो उसी का एडवांस 5,000 बाकी था, उन्हें दे देना। बाकी पैसे मैं किसी के हाथ से भिजवा दूंगा, ठीक है? तुम भी ना? हम या बीबी दोनों घर पर ही होते हैं। हमारा इकलौता बेटा यूके में बहुत बड़ा हेयर स्टाइलिस्ट है। शादी के बाद वो पत्नी के साथ यूके में ही सेटल होना चाहता है ना? बस मेरी बेटी एक बार हाँ कह दे तो ये रिश्ता पक्का समझिए। लड़का दिखने में बहुत अच्छा है ना? ऐसा लग रहा है। हाँ, काफी संस्कारी भी लगता है। आपने इससे नहीं मिलवाया? ये मेरा तीसरा बेटा है। पैदा होने के अलावा इसने और कोई अच्छा काम नहीं किया। हमारे घर में बस एक ये ही नमूना है। मेरे बाकी सारे बच्चे काफी पढ़े लिखे हैं। इसके पास भी डिग्री है, 10th फेल। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ कॉफी लेकर आओ। और सुनो, पंखे को इस तरफ घुमा दो। माँ, क्या हुआ? माँ, तेरे पति को और कोई काम नहीं है क्या? वो उस टकले के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बोल, तेरे मरे वाले जीजा जी सुन लेंगे। कौन? वो? माँ कसम, मेरी बहन उस टकले को वीक पहनाते बुढ़ी हो जाएगी। अरे चिल्ला मत, हमारे समधी जी बुरा मान जाएंगे। समधी? वो बुढ़ा जो बाबा आजम के जमाने के पैंट पहनकर आया है। वो क्या कर रहा है? तू क्यों चिल्ला रहा है समधी जी? अरे तो सुनने दो, अगर उनमें जरा सी भी शर्म है ना तो अभी के अभी घर का रास्ता नापने को बोल दो। हम आपको फोन करके बता देंगे, ठीक जी? कोई बात नहीं, चलो चले। जब तक तुम इस घर में रहोगे
संध्या की शादी जन्म में नहीं हो सकती। अब या तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ या तुम इस घर को छोड़कर चले जाओ। माँ पापा कोई बोल दो ना घर छोड़ने के लिए। सुनिए आपका बीपी हाई हो जाएगा। पता नहीं ये जाहिल मेरे घर में कैसे पैदा हुआ। आज के बाद जो भी आवारा गर्दी करनी हो घर से बाहर करना। ये पढ़े लिखों का घर है और तुम अनपढ़ गवार हो। तुम्हारा नाम मैंने अपने दादाजी के नाम पर रखा राधा कृष्ण। अच्छे खासे नाम का रेप करके तुमने रख दिया रॉकी। मैंने आपसे कहा था ना मेरे दादाजी वाला नाम रखो गोपाल कृष्ण। तुम्हारे मेरे दादाजी की बात नहीं है, ये बात है नाम के क्रियाक्रम की। कितना कितना फर्क है इस उल्लू के पट्टे में और मेरे बाकी बच्चों में। जी करता है छुरा लेकर। माँ गलती सारी पापा की है, मुझे जो करना था करने दिया। पूछो ना इनसे। मैं बचपन में माचिस की तीली से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता था लेकिन ये उसे भी तोड़ देते थे, वरना आज मैं बहुत बड़ा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर या सिविल इंजीनियर बनता। लेकिन नहीं बन पाया। बाथरूम की दीवारों पर अलग अलग सुंदर सुंदर ड्रॉइंग्स बनाता। उसे ड्रॉइंग कहते हो? कबाड़ था वो। कला को कबाड़ मत कहिए। आप सिर्फ कान खींचकर जोर जोर से मरोड़ा करते थे, मुझे जो पसंद नहीं वो करवाते थे। कभी इस दिल में झांका, मैं भी परिंदे की तरह आसमान में उड़ना चाहता था पर आपने मेरे पर काटकर जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा बना दिया। बचपन में ही दिमाग पर गहरा घाव किया। कैसे करता पढ़ाई, कैसे करता, कैसे कैसे। दूसरों पर आरोप लगाना बंद करो। खुद के दम पर डिग्री हासिल कर सकते हो? हाँ डिग्री हासिल कर सकते हो, डिग्री हासिल कर सकते हो, डिग्री हासिल कर सकते हो। एग्जाम क्वेश्चन पेपर पास फेल एलजेब्रा ज्योमेट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, इन शब्दों से तो मुझे एलर्जी है यार, मेरे हाथ कांपने लगते हैं। साला MP3 के 3000 गाने तो आसानी से याद हो जाते हैं यार, पर ये मैथ्स का कैलकुलेशन साला भेजे में ही नहीं घुसता। कैसे घुसेगा, हम क्रिएटर्स हैं, हम इन्वेंटर्स हैं, हम प्रोड्यूसर्स हैं। ये पढ़ाई करना, एग्जाम में बैठना, पास होना, ये सब हमारे बस की बात नहीं है। अगर इंडिया का हर बच्चा पढ़ लिखकर IT कंपनी खोलेगा तो फिर नेता बनकर करोड़ों का स्कैम कौन करेगा? पढ़कर कौन सा तीर मार लेता बच्चा, तेरे को डॉक्टर या इंजीनियर तो बनना नहीं है, फिर टेंशन क्यों? टपरी पर बैठने और आवारा गर्दी करने ही हम पैदा हुए हैं। बाप को समझा, कितने ही लोग हैं जो शिक्षा पाकर या तो रिक्शा चला रहे हैं या फिर झोला लेके भिक्षा मांग रहे हैं। ये सारी बातें मैं उन्हें नहीं समझा सकता, मुझे पास होकर डिग्री लेनी है। मुझे रास्ता दिखाओ यार। अच्छा अपने बिगड़े हुए दोस्तों का साथ छोड़कर बाप के कहने पे सुधरने जा रहे हैं? अच्छी दोस्ती निभा रहा है दोस्त। देख भाई पढ़ना लिखना अच्छी बात है ये हम सब जानते, लेकिन तेरे भेज में कुछ नहीं घुसता। 10वीं पास करने में तूने 10 साल लगा दिए। देख भाई तुझे पास कराने में हमने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। पेपर की पर्चियां रखवाई, दूसरों से कॉपी करवाया, टीचर को रिश्वत देने की भी कोशिश की, फिर भी तू फेल हो गया। 50 साल बाद बाईपास हो जाएगा लेकिन तू पास नहीं होगा। यार पढ़ने की तो ठान ली है, मैं किसी भी हालत में कॉलेज जाकर ही रहूंगा। BA की फर्जी डिग्री बनवाओ। नहीं फर्जी डिग्री नहीं चाहिए बहन, MCOM में CA तो बनूं। समझ बन गया। गुड मॉर्निंग, मैं भी आपकी तरह अनपढ़ ही हूँ, बैठ जाइए। हाय। सुन छोटे। हाँ। मैं ना यहाँ पर डिग्री लेने आया हूँ समझा? हाँ। अगर उबासी लेकर मुझे उकसाया ना तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, ठीक है? दूध के दांत? गुड मॉर्निंग, सिट डाउन सिट डाउन। अच्छा गायतुंडे प्राइवेट क्लासेस में नया स्टूडेंट कौन है? मैं ही वो नमूना हूँ। खड़े हो जाओ। तुम 10वीं फेल हो फिर भी यहाँ पढ़ाई करने आए हो, चलो सबको बताओ 10वीं फेल होने का तुम्हें कोई अफसोस है क्या? नहीं सर। क्यों? सचिन तेंदुलकर भी तो 12th फेल है सर, फिर भी उसने सेंचुरी की सेंचुरी बनाई। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख कर दावे से मैं कह सकता हूँ तुम लंबी रेस के घोड़े हो। अब मैं तुम्हें जनरल नॉलेज के 3 सवाल पूछूंगा, तुम्हें तीनों के सही जवाब देने हैं। तुम्हारे जवाब से हमें पता चलेगा कि अगले साल तुम एग्जाम में पास होने वाले हो या नहीं। ओके ओके सर। तो सुनो पहला सवाल, जोधा अकबर के बारे में तुम क्या जानते हो? सर जोधा अकबर फिल्म में अकबर ऋतिक रोशन बना था और जोधा ऐश्वर्या राय बनी थी और वो फिल्म मैंने थिएटर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी थी। मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा, मैं जोधा अकबर की बात कर रहा हूँ। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। शायद इस नाम से कोई फिल्म बनी होगी इसीलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो। अब दूसरा सवाल, बहुत ही आसान सवाल है, 2 × 2 कितना होता है? 22 सर। 22? यस सर। लास्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह करके गांधी जी ने पद यात्रा की थी ये तो पता है ना? अभी तो आपने बताया। बेवकूफ, उस जगह का नाम बताओ। क्या
गांडी सर। गांडी? अरे गांडी नहीं रे, दांडी। सारे आसान सवालों का गलत जवाब दिया है तुमने। तुम इस जन्म में पास नहीं हो सकते। नाम क्या है तुम्हारा? सर, मिस्टर राधाकृष्णन सर। तुम जानते हो वो कौन थे? मेरे दादाजी थे सर। उल्लू के पट्टे? वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। उनका जन्मदिन टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। तुम्हारे माँ बाप ने उनका नाम तू जैसे बेवकूफ को कैसे दे दिया? क्लास डिसमिस। आज से हिस्ट्री क्लास अनियमित काल के लिए बंद। सलाम भाई। सलाम सलाम। क्या बाबे, सुना है आपने मेरे छोकरों को नाराज कर दिया? ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को हरी झंडी कब मिलेगी? तुम्हें परमिशन सिर्फ 2 मंजिलों की दी गई थी, तुमने 6 मंजिलें बना दी जो इलीगल है, इसलिए मैंने अप्रूवल रोक दिया। भाभी, देवर को नाराज ना करो, हमें सिर्फ मार काट करना आता है या फिर भेजे में गोली डालना। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम तो सब जानती हो, रूल्स रेगुलेशन, कंप्यूटर, चूहा, बोले तो माउस। अब उन पुराने पेपर को मारो गोली और नए पेपर पर नया अप्रूवल पास करो, वरना इस चेयर पर कल कोई और होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? उठा ले उठा ले, कमीशन देकर मैंने पहले ही कमिश्नर की जेब गरम कर दी है, उठाना। हेलो, अप्रूवल पेपर पर साइन करो और फाइल आगे बढ़ो। सर ये गैर कानूनी है, बलबीरा के आदमी कायदे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे कानून मत सिखाओ, जितना कहा गया उतना करो, हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और हमें सबको संभालना पड़ता है। 4 बजे वुडलैंड थिएटर के बाहर मुझे कॉफी शॉप में आकर मिलो, मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके फाइल लेकर आ जाऊंगी। शुक्रिया बापू जी। पूरा हफ्ता आया कि नहीं? अरे नहीं भाई, बाकी की रकम वो कल भेज देगा। आइए बापू जी, टाइम की बड़ी पक्की है आप। चलिए टेबल पर बैठकर बात करते हैं, आइए बैठिए। आपने मेरी बिल्डिंग पर थप्पा लगाकर बहुत अच्छा काम किया, वरना मैं अपना थप्पा आपकी इज्जत की बिल्डिंग पर लगा देता। ये 50,000 रुपए हैं, इसे रख लो और फाइल दो। अरे शर्माओ मत भाभी, ले लो। पैसे लेने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तुमने कहा कि मैं बस पढ़ी लिखी हूँ, मुझे सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस, कंप्यूटर और चूहा, बोले तो तुम्हारी लैंग्वेज में माउस, और कुछ नहीं। पर हमारे फैमिली में भी एक अनपढ़ है और वो भी इसी तरह मार धाड़ करके मामले सुलटाता है। कौन है वो? जो चाय पी रहा है। अरे स्कूल के बच्चे को लेकर मुझे डराने आए हो? रॉकी जी, अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। हाँ। घर पर पानी पूरी बना रही हूँ, जल्दी आ जा। ठीक है भाभी। Ah!
पता चला कहाँ छुपा है वो? अब तक तो नहीं मिला, पर ढूंढ लेंगे। बचना नहीं चाहिए, वो बचा तो तू गया। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, खत्म कर दो सारे, और डेड बॉडी घसीट कर ले आओ, वरना तेरी बॉडी कोई पहचान नहीं पाएगा। उसे याद दिलाना, बलबीरा से पंगे लेने की जरूरत तो भगवान भी नहीं करता। मुझे उसकी लाश चाहिए। निकम्मा तो था ही, अब गुंडा मवाली भी बन गया। मैं आज तक पुलिस स्टेशन नहीं गया, कोई से समझाओ। पुलिस स्टेशन जाना कितने शर्म की बात है। पुलिस वाले तो रोज ही पुलिस स्टेशन जाते हैं, उल्टा पैसा भी मिलता है। जान दीजिए पापा। यहाँ तेरे पापा का बीपी बढ़ रहा है और तू टीवी कर रहा है। ए, तू जानता है तूने किसको मारा है? एमएलए का भाई है वो। इंस्पेक्टर अपनी पहचान का था इसलिए तू छूट गया, वरना पता नहीं तेरा क्या होता। मैंने उसे ऐसे शौक से नहीं मारा है, वो भाभी भाभी जैसी किसी औरत के साथ बदसलूकी कर रहा था इसलिए उसको फोड़ डाला। कमजोर था इसलिए कोमा में चला गया। तुम क्या हीरो हो जो इंसाफ करने चले थे? देखिए मुझसे बुराई देखी नहीं जाती इसलिए मैंने मारा साले को। साइज में छोटा तो क्या हुआ, मूर्ति भले ही छोटी हो कीर्तिमान होनी चाहिए। इससे बहस करते करते तो मैं पागल हो जाऊंगा। माँ तुम क्या सुन रही हो, इडली दो ना। खबरदार जो एक और दी, ये इडली खा खा कर मेरे दिमाग की चटनी बना रहा है। सुनो तो जल्दी से खा ले पापा। क्या है? दूध लीजिए। मैं सोच रही थी क्यों ना हम रॉकी की शादी कर दें? वैसे ही काम का टेंशन क्या कम है मुझ पर, जो तुम एक और टेंशन डाल रही हो। कौन शादी करेगा उससे? जो शादी करेगी वो भी गालियां देगी। गांव में आपकी चचेरी बहन की नजर में एक लड़की है ना, चलिए ना हम गांव चलकर देखाते हैं। मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करो। ठीक है कल चलते हैं, कल जरूर चलेंगे। कैसे हो बेटा, शहर जाकर हमें तो तू भूल ही गया है। फुर्सत मिले तो गांव में भी आना चाहिए। भले ही मैं शहर में रहता हूँ मगर सांसों में आज भी महक गांव की मिट्टी की ही है, इसीलिए मैं इसकी शादी के लिए लड़की देखने यहाँ आया हूँ। अकड़ के मत बैठ, थोड़ा मुस्कुरा। अरे ये तो वही है जिसने कोलावरी कोलावरी गाया था, काश ये मेरा हाथ मांगता। रूप सुंदरी को बुलाइए। रूप सुंदरी, ओ रूप सुंदरी, जरा मेहमानों के लिए कॉफी तो लाना। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई रॉकी, लड़कों को तो गुलाबी होटो वाली ही पसंद आती है। इसे देखकर तो लगता है कि लिपस्टिक और गद्दे का खर्चा बच जाएगा। जानो काफी सारी जानू। अरे रूप सुंदरी, कहा था ना मुंह के अंदर पाल लेकर बाहर मत आना, फिर भी तुम आ गई। जब तक कमीज पर दाग है तब तक तो ठीक है, चरित्र पर दाग नहीं होने चाहिए। जाओ पांथू करा। फूकने के लिए बचा क्या है? तेरी साड़ी तो खराब नहीं हुई, वैसे इसकी सेमी सेमी हंसी है ना, पूरे गांव में मशहूर है। जरा हंस के दिखाओ। हाँ जानू, गांव में जब बारिश नहीं होती है ना, तब मेरे हंसने से बिजली कड़कने लगती है। माँ उसके दांत तो लालम लाल, ईंट से भी लाल है। माँ चुप इडियट, डेंटिस्ट इसके दांतों को अच्छी तरह चमका देगा। और डॉबरमैन की पूंछ? अरे ब्यूटी पार्लर में जाकर बालों को स्ट्रेट करवा लेंगे। आपको जम रही है तो आप ही शादी कर लीजिए ना। क्या आप मेरी जगह होते तो उसे शादी कर लेते। चुप कर जा, कहीं तुझे रिजेक्ट न कर दे लड़की। हेलो मैडम, अभी अभी तो इन दोनों के प्यार की शुरुआत हुई है और आप है कि अपने टांग बीच में अड़ा रही है। अरे इन्हें भी तो हक है, इन दोनों को छोड़ो, चलो हम दोनों अपने प्यार की बात करते हैं, क्या बोलती हो? सुनो, आज के बाद अगर मेरा पीछा किया ना या कॉलेज आकर मुझे टॉर्चर किया तो पुलिस कमिश्नर से कंप्लेंट कर दूंगी। अरे मैं तो डर ही गया रे, आजकल लड़कियों के लिए छोटे छोटे मामलों में पुलिस कंप्लेंट करना एक फैशन सा हो गया है। जिसे कंप्लेंट करनी है करो, हकीकत ये है कि तुमसे मैं प्यार करता हूँ। कुत्ते की तरफ पीछा करना छोड़ दो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ठीक है, सच्चे दिल से मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो वो बात तुम्हें हजम नहीं हो रही है, पर कल कोई बिगड़ैल रईस ज्यादा तुम्हें झूठ मूठ की चकाचौंध दिखाकर अपने प्यार के जाल में फंसा कर प्रेग्नेंट कर देगा और फिर तुम्हें उसी हालत में छोड़कर बाय कहकर चला जाएगा, तब तुम जैसी लड़कियाँ कुत्ते की तरह उनका पीछा करती हैं। अगर तुम्हारे हाथ की रेखाएं किसी से जुड़ी है तो वो मैं हूँ। चल त्रिशा। ओए चमक चलो।
मैं 24 घंटे इंतजार करूंगा। अगर इन 24 घंटों में एक पल के लिए भी अगर तुम्हें मेरी याद ना आई तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, पर अगर तुम्हें मेरी याद आई तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम मेरे पास आओगी। हेलो, एक्सक्यूज मी, आई लव यू। ब्रेकिंग न्यूज, 24 घंटे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर इन 24 घंटों में एक पल के लिए भी तुम्हें मेरी याद ना आई तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। तुम? हाँ मैं। यहाँ से जाओ। पहले दूध पी लो फिर जाऊंगा। ठीक है। तो अगर इन 24 घंटों में तुम्हें मेरी याद एक पल के लिए भी ना सताए तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है। एक काम करो, जल्दी से एक नंबर लिख लो, 9444-888-71। ये कमिश्नर साहब का नंबर है? नहीं, मेरे देवर का नंबर है। वो पुलिस अफसर है? नहीं नहीं, गुंडा है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आज उससे बात करती हूँ। उसे फोन जरूर करना, चुटकियों में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। मजनू तू तो गया। अरे लफंगो, जब से ये गैराज बना है तब से तुम यहाँ मक्खियाँ मारते रहते हो, अरे जाकर कोई काम क्यों नहीं करते? अरे मामू जान, राजीव गांधी तो आपकी उम्र में भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, आपने काम करके क्या उखाड़ लिया? बोल बच्चन, जाओ तीन चाय बोल के आओ। अरे निकम्मो, मैं तुम्हें सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, मेरे वक्त में मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, वरना मैं शोरूम का मालिक होता। शक्ल देखिए, जाओ जाके चाय बोलो, वो भी कड़क। मेरे गैराज में लुक्खा बंदी करके मुझे ही डरा रहे हैं, जैसे गैराज इनके बाप का हो। हेलो, आपकी भाभी ने मुझे आपका नंबर दिया है और आपसे बात करने के लिए कहा है। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना? अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में कॉल करती हूँ। वैसे 24 घंटे तो मैं बिजी रहता हूँ, पर फिलहाल मैंने ब्रेक लिया हुआ है, तुम बोलती जाओ क्या प्रॉब्लम है? एक मवाली हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है, कहता है जिसको बुलाना है बुला लो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। काफी पहुँचा हुआ खिलाड़ी लगता है। उसे शायद ये पता नहीं कि आजकल शहर के गली गली में न्यू कमर मवाली पैदा हो रहे हैं, लेकिन मैं सबका बाप हूँ। क्या समझता है साला छछुंदर कहीं का? उसके हाथ पैर तोड़ू, सर फोड़ू या ककड़ी की तरह छील के घर पे पार्सल कर दूं? ओह नहीं नहीं, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वैसे बंदा सीधा साधा है, बस डरा धमका कर वार्निंग देके छोड़ देना उसे, बस। उसकी कोई फोटो बिटो है क्या? नहीं सर। अच्छा ये बताओ वो दिखता कैसा है, वरना क्या है ना कि किसी और का गेम बच जाएगा। कल 11 बजे मैं उसे लेकर सिटी मॉल पहुंचती हूं, आप वहीं आ जाना, दिखा दूंगी। टाइम पे आना सर। रानी का नाम पूछना तो भूल ही गया। क्या भाई, भाभी से हम सबको नहीं मिलवाओगे क्या? कैसे मिलवा सकता हूँ तुम सबसे? ये अनपढ़ है, ये गवार है और तू जाहिल है। ऐसे मवाली बारातियों से मिलाऊंगा तो मेरी नाक नहीं कटेगी? ऐसे अंकल टाइप दोस्तों से कैसे मिलवाऊंगा मैं? ए, जब टकला तेरा दोस्त हो सकता है तो मैं क्यों? साले टकला किसे कहा? कान में क्यों चिल्ला रहे? एक्सक्यूज मी, तुमसे अकेले में बात करनी है। ए, अब उसके पूजा रही हूँ, कहीं और ना करा लो। कुत्ते साले। देखो देखो, रानी ने बुलाया तो गुलाम की तरफ। पता था तुम्हारे दिल की घंटी बजेगी। अभी भी 24 घंटे पूरे होने में पूरे 24 मिनट बाकी है, और आज तारीख भी 24 है। अब जब तुम दिन रात मेरे ही बारे में सोचती रही तो अपनी हार भी मान लो और प्यार का इजहार कर दो। एक्चुअली आज 9 से 10:30 का टाइम बहुत ही पनौती है, तो क्यों ना हम दोनों किसी कॉफी शॉप में आराम से एसी में बैठकर प्यार का इजहार करें? हाँ ये बात तो तुमने समझदारी की बोली, प्रपोज करने के लिए मूड तो बनना चाहिए। करेक्ट। चलो। अरे वर्कर्स, काम संभाल लेना, मैं जरा जरूर मीटिंग करके आता हूँ। लड़की के चक्कर में दोस्तों को वर्कर बना दिया। तुमने बोला था कि 9 से 10:30 पौनौती काल है, पर अब तो 10:31 हो गए। शुरू करो, प्यार का इजहार करो ना। 10:30 से 12 राहु काल है,
अगर इजहार कर दिया तो फ्लॉप हो जाएगा। 12 के बाद करती हो ना। हाँ आगे। बेटा रॉकी, तेरी लव स्टोरी में ये राहु और शनि कहाँ से टपक गए? थैंक्स। तुम शुरू करो, मैं जरा वॉशरूम जाकर आती हूँ। ओके। हेलो। हेलो सर, मैं बोल रही हूँ। मैं कौन? आपकी भाभी की स्टूडेंट। अच्छा तुम हो? हाँ बोलो। जैसा आपसे कहा था, मैं उसे सिटी मॉल लेकर आई हूँ। आप कहाँ हैं सर? अरे मैं भी अपनी आइटम के साथ सिटी मॉल में हूँ। तुम कहाँ पर हो? मैं कॉफी शॉप के ऊपर हूँ सर। कॉफी शॉप के ऊपर? तुमने कौन से कलर का ड्रेस पहना है? ब्लू कलर जीन्स और येलो कलर का टॉप है। जरा तुम अपने राइट में मुड़ो, अब लेफ्ट में। माँ का साकिना का देरी तो, मेरे नाम की सुपारी तुम मुझे ही चबाने के लिए बोल रही है क्या? अब मैं तेरे नाम का पान चबाऊंगा। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? बोलना। पर आप उसे पहचानेंगे कैसे? तू ही बता दे उसका हुलिया। फोर्थ टेबल पर एक दुबला पतला सा ग्रीन और येलो चेक्स वाली शर्ट में लड़का बैठा है। दुबला पतला? तुम जाओ, मैं देख लूंगा। ओके सर। छमिया, तेरी तमन्ना मैं जरूर पूरी करूंगा। अब देखना धनुष से कैसे तीर निकलता है। कल्लू भाव का फोन है, उसे काट डाला। मैंने उसे कॉफी शॉप में देखा था, जब तक मैं आदमी लेके आया वो भाग गया। तू अकेला नहीं मार सकता था, तो आदमी लाने गया। तुम्हें तो हिचड़ों की फौज में भर्ती होना चाहिए था। हाय, चंद्रा कहाँ है? अब देखना मैं किस तरह उस सुकड़ी की हवा टाइट करता हूँ। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? मैं कौन का मतलब? अरे वो गुंडा, तुमने उस लड़की की सुपारी दी थी ना। हाँ, क्या हुआ उसका? अरे मेरे पीछे पुलिस पड़ गई है। पुलिस? देखो मैडम, मुझे लगता है उसने मेरा नाम पुलिस को बता दिया है, लेकिन मैंने तो उसको आपके कहने पे फोड़ा। अगर मेरे पर उसने पुलिस केस किया ना, तो मैं तो सरकारी गवाह बन जाऊंगा। गुनाह करने वाले से उकसाने वाले का गुनाह बहुत बड़ा होता है। मैंने सिर्फ वार्निंग देने के लिए कहा था, आपने उसे बेरहमी से मारा क्यों? अब वो जख्मी हो गया तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो क्या मेरी गलती है? मासूम दिखने वाले उस लड़के की बस एक ही गलती थी कि वह तुमसे दिल लगा बैठा, पर तुमने क्या किया? झूठे प्यार का दिखावा करके अपने सच्चे आशिक को मॉल में बुलाकर गुंडे से पिटवाया। अब कल की ब्रेकिंग न्यूज ये होगी कि एक खूबसूरत लड़की ने अपने प्रेमी को जाल में फंसा कर मरवाया। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर तुम्हारी फोटो छपेगी। कोई रास्ता दिखाओ। वो तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुमने मुझे उसे मारने के लिए भेजा था, है ना? तो अगर तुम उससे प्यार करना शुरू कर दो तो वो शायद केस विड्रॉ कर लेगा और तुम बदनामी से बच जाओगी, वरना जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। कौन से हॉस्पिटल में है वो? पड़ा है शहर के सरकारी अस्पताल में। ओह माय गॉड, अब कैसी हालत है इसकी? क्या बताऊं, शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। सिर से लेके पांव तक सारी हड्डियां तोड़ दी। बॉडी तो बची है लेकिन बॉडी पार्ट्स चल बसे। हाँ। मैं अपना डेथ स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, लिख ले, पेन निकाल। हाँ। मेरे मौत के जिम्मेदारों को काले पानी की सजा दो। ठीक है। अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग और धोखाधड़ी मुख्य भूमिका में गायत्री, उसके मामा श्री शांति प्रसाद, उसकी मामी श्रीमती ज्योति और छोटी बच्ची त्रिशा का भी इन्वॉल्वमेंट था। लिख त्रिशा, त्रिशा। बच्ची का नाम लिखूं क्या? उसने मेरी बॉडी का कीमा बना दिया, मैं उसकी फैमिली में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। सही बात है, बोलते जाओ। एक लड़की थी जिसका नाम गायत्री था,
प्यार का बम फोड़ने के लिए उसने मुझे कॉफी पे बुलाया। ओके। कॉफी कड़वी थी पर जबान मीठी थी। खतरनाक प्लान से भरा था उसका भेजा, इसलिए उसने एक गुंडे को मुझे मारने भेजा। उस खूंखार दरिंदे मुझे मूली की तरह छील डाला। मैंने पूछा शर्ट क्यों फट रहा है, बोला दोनों किडनी और लीवर निकालने के लिए। उसे किडनी और लीवर ही चाहिए था तो मुझसे कहता मैं खुशी खुशी डोनेट कर देता। कसाई कहीं का। मुशर्रफ मेरे भाई, तूने सब कुछ रिकॉर्ड तो कर लिया है ना? कर लिया कर लिया। एक्सक्यूज मी, कौन है? मैं हूँ गायत्री। सो सॉरी, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। मुझे अपने किए पर पछतावा है, कोई हेल्प चाहिए तो बताओ प्लीज। हेल्प? पुलिस को बुला दो। प्लीज 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 पुलिस को मत बुलाओ। क्यों? क्या हम अकेले में कुछ बात कर सकते हैं? नहीं, पिछली बार अकेले लगी थी तो ये हाल हुआ। मुशर्रफ ओवर एक्टिंग मत कर बे, लान चौपट करोगे क्या? ये ना मुझसे अकेले में कुछ कहना चाहती है, मैं सुन लेता हूँ, तुम लोग बाहर जाओ। बाद में आए, कल आना। जाना जाना, आओ ना, पास आओ, बैठो। रॉकी, मुझे तुम पसंद हो। मैं सावला हूँ और तुम तो एकदम रसमलाई हो। सावले तो कृष्ण जी भी थे। कृष्ण? हम किसे प्यार करते हैं ये जरूरी नहीं। अच्छा, हमें कौन प्यार करता है ये जरूरी है। पर तुम्हें तो मेरी शक्ल भी पसंद नहीं है। पहले अटपटी लगती थी, अब धीरे धीरे अच्छी लगने लगी। इसका मतलब अब मुझे दवाई की जरूरत नहीं है बल्कि तुम्हारे प्यार के मलाई की जरूरत है। यार प्लस इनटू प्लस इज इक्वल टू प्लस फॉर्मूले ने तो मेरे प्यार के गाड़ी का एवरेज ही बढ़ा दिया। बोलो क्या चाहिए तुम्हें, अपने बजट में चाहे कुछ भी मांगो। इतना फोर्स कर रहे हो तो शाम को चिकन बिरयानी और खंबे का जुगाड़ कर दो। दोस्त, अगर वो चालाकी की नाव है तो तुम चालाकी के समंदर हो। इतनी होशियारी से तुमने उसे बेवकूफ बनाया, खुद को मारने के लिए खुद ही फ्री में सुपारी ली, उससे फोन पर कहा कि तुमने उसके आशिक को मारा और अस्पताल में पैर लटका के बेड पर लेट गए और उसे आई लव यू कहने पर मजबूर कर दिया। सच में बिना पढ़े लिखे जीनियस हो। सच? बिड़ू, अगर मैं बिना पढ़ा लिखा जीनियस हूँ तो उसे किस नाम से पुकारे? पढ़ी लिखी डफर। पर हम जा कर रहे हैं हनीमून पर। हनीमून पर? आजकल की लड़कियां तो जेट प्लेन से भी ज्यादा फास्ट होती हैं। शादी के पहले ये सब तो। बोलो बिला, गाड़ी ऊपर आ रही है, चढ़ा दे ऊपर। हो जाएगा। मैं ये सोचता था कि शादी से पहले ऐसा वैसा कुछ करना पाप होता है, लेकिन अगर तुम फोर्स कर रही हो तो ठीक है। धोखेबाज, सपने देखना बंद कर, हड्डियाँ तोड़वाने का नाटक किया ना, अब मैं तुझे सचमुच इस पहाड़ी के नीचे इस गाड़ी के साथ फेंक दूंगी। नीचे फेंक दूंगी? तब तो सचमुच पुलिस केस हो जाएगा। जेल की चक्की मैं पीस लूंगी पर तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Ha ha ha!
सिर्फ उसे डराना चाहती थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। बेचारा पता नहीं रॉकी किस हाल में होगा। मिठाई बांटने आए हो तुम? माँ के लाडलो को मैंने कहा था उसे मेरे सामने घसीट कर लाना। तुम्हें दो मौके दिए थे, दोनों बार घंटा हिला कर आ गए। हमने तो उसे ठोक ही दिया था। साले का नसीब अच्छा था, रक्षा चक्कर खाने के बाद ही बच गया। इस बार नहीं छोड़ेंगे साले को। उसे कफर उड़ा कर नहीं आए तो मैं तुम पर कफर उड़ा दूंगा। अरे जानू, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्योंकि आज किसी वीआईपी का बर्थडे है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। अच्छा, कौन है वो वीआईपी? वो वीआईपी तुम्हारे सामने खड़ी है, मेरा बर्थडे है। सच कह रही हो? कांग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे। ए, सिर्फ हाथ मिलाने से कुछ नहीं होने वाला। आज तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। वैसे मुझे पूछना तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन रोज तुम्हें मेरा खर्चा उठाती हो तो आज मुझसे हाँ, रोज मैं ही तुम्हारा खर्चा उठाती हूँ, पर आज मेरा बर्थडे है तो तुम मुझे एक्शन फिल्म दिखाओ। पांच का नोट। अरे इसमें तो होल है। इतने में तो वड़ा पाव का पाव भी नहीं आएगा। इस महीने की पॉकेट मनी भी दोस्तों पे लुटा दी। बाइक पार्किंग में भी 20 रुपए चले गए। अब साला पैसे का जुगाड़ कहां से करूं? कोई बात नहीं, आइटम का बर्थडे तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। अपनी भाभी है ना। हेलो भाभी, भाभी मोमबत्तियां खरीद ली पर केक नहीं खरीद पाया। रॉकी क्या हो गया? अगर 2000 रुपए नहीं दोगी तो मेरी गायत्री 1 साल बड़ी नहीं होगी। क्या मतलब है? भाभी गर्लफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मैं स्टेशन पे नींबू पानी बेच के आपके पैसे चुका दूंगा। आकर ले जाओ बाबा। वो खाते में पैसे बहुत है, वो डेबिट कार्ड होता है ना, डेबिट कार्ड जो मशीन में डाल के पैसे बाहर आते हैं, मैं निकाल के लाता हूँ, फिर उसके बाद जितनी चाहे शॉपिंग कर लो। नहीं नहीं तुम पियो। ओके पियो। Thank you.
मैंने तुम्हें यहाँ पढ़ने भेजा ताकि दुश्मनों को पता ना चले, पर अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है बेटी। अब घर पे रहकर ही पढ़ाई करना, समझी? तुम इसी वक्त मेरे साथ घर चल रही, चलो। सालो गर्लफ्रेंड तो मेरी गई है, तुम्हारे मुंह क्यों लटके हुए हैं? बर्थडे मनाने गई होगी, पर ये हेलीकॉप्टर हजम नहीं हुआ। ससुर भी एकदम फिल्मी है। मियां बीवी राजी फिर क्यों पाले हम उदासी? कल उसके घर पहुंच जा, अगर तू बोले तो हम भी तेरे साथ वहां चलते हैं। चलो हम सब जाकर उसे किडनैप करते हैं। देख अकेले जाएगा तो हीरो कहलाएगा, वैसे भी हम सबकी तत्काल में भी टिकट नहीं मिलने वाली। चील की तरह उड़कर जा, अपने शिकार को दबोच ले और डबल सीट लेकर वापस आ। तुम? आपका होने वाला दामाद, आपकी बेटी को ले जाने आया हूँ। होश में तो हो ना? आप शेर होंगे तो अपने घर में, पर मैं भी कोई कुत्ता नहीं हूँ। आपको आपकी टक्कर का दामाद मिल रहा है, आपको तो खुश हो जाना चाहिए। मेरे पास आपके जैसी दौलत नहीं है, लेकिन प्यार की दौलत है। देखिए, मैं आपकी बेटी को हमेशा के लिए खुश रखूंगा। गायत्री चलो मेरे साथ। ये मेरी बेटी है, मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगी। गायत्री ससुर जी, प्यार की ताकत दुनिया की ताकत के सामने कभी नहीं झुकेगी। चलो चलते हैं। ए, अरे शहर से बाहर जाना तो दूर की बात है, अगर असली मर्द है तो इस गेट के बाहर जाकर दिखा। समझ गए बच्चे? ससुर जी, मैं बच्चा जरूर हूँ, पर मेरे हर पंच से भूचाल आता है। मैं अकेला ही आपके इन पर मंथ सैलरी वाले गुंडों को आपके नजरों के सामने धो धो कर आपकी बेटी को यहाँ से ले जाऊंगा। गायत्री जाने मन, बर्थडे पर एक्शन फिल्म देखनी थी ना, चलो तुम्हारी विश मैं पूरी करता हूँ। अरे कहाँ हूँ मैं? अरे तुम्हारी ये हालत किसने की? ये सब कैसे हुआ? बंधु तुम जोश में होश खो बैठे और हमें धनाधन मारने लगे। तुमने सारे दोस्तों की हड्डियाँ तोड़ी, इंश्योरेंस तो निकलवाया होता, हॉस्पिटल का बिल तेरा बाप भरेगा।
किस तरह हवा में उछाल उछाल के हमारी धुलाई की जैसे कोई नारियल फोड़ता है। तूने अपने दोस्तों के सर फोड़े। देख भाई, हम उतना ही मार खा सकते हैं जितना हमारी बॉडी सह सकती है। मर्द को भी दर्द होता है, समझ गया? फाइटिंग का प्लान बदल दे। मेरी बात सुन, ससुर को नफरत से नहीं प्यार से जीत। हम अहिंसा पुजारी हैं, हम गांधी जी के तीन बंदर तो तेरे साथ है ही। मार धार से कुछ नहीं होगा, प्यार की ये लड़ाई दम पर नहीं ससुर जी के कदम पर गिर कर जीत, समझा? मेरी बात सुन, तेरे एक फाइट से देख इसका क्या हाल हो गया। भगवान की कृपा है कि हार्ट अटैक नहीं आया। तेरा रुद्र अवतार देखकर हमारी मजबूत दोस्ती की हालत भी पतली हो गई है, हम तो ऊपर ही पहुंच जाते। प्रचंडेश्वर की बेटी को किडनैप करना इतना आसान नहीं है भाई, हम तेरी मदद नहीं करेंगे। तो क्या अपने प्यार को भूल जाऊं? नहीं, मेरे पास इसका भी फॉर्मूला है। मैं ऐसे लव गुरु को जानता हूँ जो नंबर वन गुंडा है और प्यार के खिलाफ उठी हर आवाज को पूरी तरह दबा देता है और प्रेमियों को मिला देता है। कौन है वो? बाबा प्रेम पुजारी। बिछड़े लवर्स को मिलाना उसका पेशा है और उसका वेबसाइट है prempujari.com। बॉस, प्रेम पीड़ा से पीड़ित प्रेमी आपसे मिलना चाहता है। आन दे। काट के तेरी प्रेम की गड्डी। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लड़की भी मुझसे प्यार करती है, पर लड़की का परिवार हमारे प्यार का दुश्मन है। अब आप ही कुछ कीजिए, हम बिछड़े हुए प्रेमियों को मिलवाइए, हमारी शादी करवाइए, वरना हम मर जाएंगे। तेरे प्यार में इतनी ताकत है कि वो पहने हुए कपड़ों में घर से भागे? वो तो भागने के लिए तैयार, पर उसका पति उसे भागने नहीं देगा। पति? क्या तुम उसकी स्टेपनी हो? मैं ऐसे मैटर क्या कर रहे हो बॉस? यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं। पिछले 6 महीने से हमने इस आश्रम का भाड़ा तक नहीं भरा। हमारे सारे 6 पैक्स वाले साइज 0 बनते जा रहे हैं। कोई भी आकर इन्हें मंदिर के घंटे की तरह बजा कर जाता है। बॉस जरा कान आगे लाओ, राशन की दुकान में गेहूं 1 रुपया किलो बिकता है और हम भिखारी तो वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये लवर भी चला गया तो हमारा क्या होगा बॉस? किकू, समझ ले, रोटी का इंतजाम हो गया। मैं उस पराई नारी को हमेशा के लिए तेरी बना दूंगा। ठीक है। आज रात उसे बोरी में डालेंगे, कल सुबह मंदिर जाएंगे, आरती के बाद तेरी शादी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। मेरे अकाउंटेंट कम असिस्टेंट को पैसे दे दो, पेट्रोल भाड़ा अलग से। ओके, यस। कल मंदिर पहुंच जाना, दफाओ। भाई कोई डिस्काउंट? क्या कर रहे हो, बकरा भाग जाएगा। बेरोजगारी में गुस्सा पीना पड़ रहा है, वरना इतने कम भाव में मांडोली करना प्रेम पुजारी को पसंद नहीं है। सीजन हॉट है मगर धंधा मंदा है। इससे मिलाने के पैसे लिए, पति से पत्नी को वापस दिलाने के पैसे लेंगे। एक तीर से हम मारेंगे 2 निशाने, आशिक को मिलेगी भाभी, पति को पत्नी। जहाँ से स्टोरी शुरू वहीं खत्म। जितने कमीने आप दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा कमीने। बेवकूफ, पैसा लेके कस्टमर का काम पूरा करने से कंपनी का नाम होता है। तुझे कड़िया काम में पर डे जो मिलता था उससे ज्यादा ही देता हूँ ना। लुंगियां निकाल के उसकी बोरियां बना लो। ऑपरेशन भाभी शुरू। मुझे नहीं लगता वो 500 में मानेगा। मैं भाव करूंगा ना, बाटली में उतार लूंगा उसे। अरे यार, ये तो बहुत खतरनाक लगता है, चल वापस चलते हैं। अबे रुक, कौन सा पैसा खर्चा करके आया, विदाउट टिकट तो आए, चल। अबे प्रेम पुजारी तो सॉलिड धुलाई करता है। जो मार खा रहा है वो प्रेम पुजारी है। अबे साले, शहंशाह के गेटअप में कोई शहंशाह नहीं बनता है। कल रात में बियर में विस्की डालकर आउट क्या हो गया? तू मेरी बीवी को मौके पे चौका मार के भगा ले गया। भगा नहीं ले गया, मैं तेरी नाजुक पत्नी को अपने मजबूत कंधे पर ले गया। अरे तू हुलिया से तो बिल्कुल जोकर लग रहा है। तो क्या हुआ, प्रेम जो जिम्मेदारी कंधे पे उठा लेता है उसे पूरी किए बिना चैन से नहीं बैठता। भाभी को उसका आशिक भगा ले गया, 2000 दे उसे वापस लेकर आता। 2000 मांगता है ये साले, तेरी तो मैं वाट लगा दूंगा। रुक, निकल। आज के बाद शादीशुदा भाभी का केस कभी मत लेना, अत्तड़ियां तोड़ दी साले ने। बॉस, उस भाभी का केस भूल जाइए, नया केस आया है, मुंह मीठा कीजिए। दूसरे केस में धुलाई ना हो तो अच्छा है। ये बच्चा पार्टी कौन है? सालों, जब भी मेरी धुलाई होती है तुम उसका लाइव टेलीकास्ट सार्वजनिक क्यों कर देते हो? बॉस, ये लोग बड़ी दूर से आपके दर्शन करने आए हैं। भक्त है ये? उल्लू का पट्टा हमारा काम करेगा? इससे कुछ नहीं होने वाला, मुझे नहीं चाहिए इस लंगूर की मदद। चल चलते हैं। ठहरो, एक बार जो मेरे दर पर आता है वो गुरु दक्षिणा दिए बिना वापस नहीं जाता। ओए, मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए।
क्या सोचकर तुम यूटर्न मार रहे हो? तुझे देख के लगता नहीं है तूने किसी को ठोका होगा? सब तुझे ही ठोके गए होंगे। ओ, पहलवान के साथ मेरा लाइव टेलीकास्ट तुमने देख लिया? बच्चे वो मेरी धुलाई नहीं कर रहा था, वो तो मेरे पास बैंकॉक जाने का वक्त नहीं है इसलिए उससे थाई मसाज करवा रहा था। दोस्त, अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं उसके हाथ बांध कर पैर बांध कर अपने चमचों से कहूंगा कि उसकी धुलाई करे। बॉस, पहले पिछली धुलाई का पैसा तो क्लियर कीजिए। जल्दी कर दूंगा, मेरा सितारा चमकते ही पाई पाई चुका दूंगा। और अगर आप सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहे तो? ज्यादा बोलेगा तो आंखें तिरछी कर दूंगा। तुम लोग अपनी नौटंकी चालू रखो, हम निकलते हैं। लड़का जोश से भरा हुआ है। नाम क्या रे? इसका नाम रॉकी है। ये जिस लड़की से प्यार करता है उसे उसका बाप हेलीकॉप्टर में ले गया। लगता है उसका बाप हेलीकॉप्टर ड्राइवर है। दुनिया के बापों की सेम प्रॉब्लम है। आगे बोल। आप इन दोनों को मिला दीजिए ना। डोंट वरी, चाहे हो भोपाल, कानपुर या नासिक, प्रेम के दर से कभी खाली नहीं गया कोई आशिक। समझा इसे। ज्यादा चूरन मत दो, इतना बजट नहीं है। आज तक मैंने 49 शादियां करवाई, हाफ सेंचुरी तेरी शादी से करूंगा। हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी काना कोपचा नहीं है जहां मेरा नेटवर्क ना हो। बोल, तेरे प्यार के रोमिंग सिम का किस एरिया में टावर है? आंध्रा। बॉस, यहां पर तो आपकी बहुत धुलाई होती है, अब आंध्रा में जाकर ठुकाई करवाओगे? हमेशा क्लाइंट के सामने मेरी बेइज्जती करना जरूरी है क्या? इस लौंडे को फंसने दे, तेरा पिछला हिसाब चुकता कर दूंगा। चल बायोडाटा दे। उसका बाप कौन है, पॉलिटिशियन, गुंडा या बिजनेसमैन? 3 in 1। इनमें से एक भी कैटेगरी का होता है तो आपकी पैंट गीली हो जाती है। ये तो तीनों का कॉम्बो है, जरूर पीली हो जाएगी। तेरे अंतर्मन की आवाज मैंने सुन ली। ओ! लड़के, तूने मुझे रिक्वेस्ट किस लिए? मैंने कब की रिक्वेस्ट? मतलब बाद में शायद करेगा ना। मैंने फैसला किया कि मैं तुम दोनों प्रेमियों को मिलवाऊंगा। बाप का नाम क्या है उसके? ठाकुर प्रचंडेश्वर। खमन ढोकलेश्वर। अबे ठाकुर प्रचंडेश्वर। ठाकुर से थोड़ा साइलेंट लगता है, प्रचंडेश्वर से थोड़ा वायलेंट लगता है। उसके नाम में वजन है, मेरे काम में वजन है। एक बात बता, तू हमेशा ऐसे क्यों चलता है? तुझे पाइल से क्या? ये मेरी स्टाइल्स है। आज तक मैं कभी एरिया छोड़कर दूसरे स्टेट नहीं गया, पर बिजनेस फैलाना है तो हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा। थोड़ा टीका लेता हूँ। लॉक कर ले। लड़के ने बहुत ही पैसे वाली मुर्गी फांसी है, इससे पूरा महीना निकल जाएगा और पिछला उधार भी चुकता हो जाएगा। इसे मेरा रेट थोड़ा बढ़ा के बता दे, देख रहा है इसे शक ना। टेस्ट मैच की तरह काम 5 दिन का है। हमारे बॉस 5 स्टार में रहते हैं और खाना 5 स्टार का ही खाते हैं। अपना इतना बजट नहीं है भाई। एक खुश खबरी, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। 5 स्टार के बदले 4 स्टार, 3 स्टार। अरे बॉस को रेलवे प्लेटफॉर्म भी चलेगा। ये चलेगा। नौजवान, एक गुड न्यूज है, इस प्रेम पुजारी ने तुम्हारे साथ चलने का फैसला कर लिया है। हम उसके शहर जाएंगे और लड़की को किडनैप करेंगे। ये बता कि फ्लाइट कब की है? किंगफिशर तो बंद हो गई है, जेट से चले? प्लेन से नहीं, ट्रेन से जाएंगे। क्या, क्यों नहीं? भारतीय रेल ही क्यों? ट्रेन में विदाउट टिकट जा सकते हैं। ट्रेन में विदाउट टिकट? वो कैसे? टीसी आए तो टॉयलेट में छुपकर भी जा सकते हैं ना। टॉयलेट? क्या हम दोनों भी टॉयलेट में ही सफर करने वाले हैं? हाँ, अगर टीसी आए तो। नो! पहली बार ट्रेन में बैठने का मौका मिल रहा है, सीट की लालच मत करो। चलो जयराम जी के। रुको, टॉयलेट में फैन तो होगा ना? किसी भी कोने में छुपा ले, वो बलबीरा की नजरों से नहीं बच सकती। हाँ, 2 बार तेरी बेटी मेरे आदमियों के हाथ से बच गई, अगली बार मैं खुद उसे खत्म कर दूंगा। दुश्मनी हम दोनों के बीच में है, या तो तुम मरोगे या तो मैं मरूंगा। अगर तूने मेरी बेटी की तरफ आंख भी उठाई। एए, कमीने, मैंने तेरी बेटी को मारने की बात कही तो तेरे कान में मिर्ची लग गई। अबे कुत्ते, तेरी बेटी से मेरा बेटा प्यार करता था, इसलिए तूने मेरे सामने उसे गोली मार दी। अरे जो दर्द मैंने सहा है वो मैं तुझे भी दूंगा। उसे मारना मेरी मजबूरी थी, वो कमीना मेरी बेटी की इज्जत लूटना चाहता था। जमीन में दफन मेरे बेटे की कसम, मैं तेरी बेटी को मारकर मेरे बेटे के पास पहुंचा दूंगा, वो भी तेरी आंखों के सामने। इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। खत्म कर दो, कुचल डालो सबको। आज अपने
इतना क्यों घुमाया? क्योंकि यहाँ मैं दुश्मनों को भी घुमाने वाला हूँ। टेढ़े काम को सीधी तरह से करे मैं वो नहीं। मैं बहुत ही खतरनाक गुंडा हूँ। इससे पहले कि मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए, चलो प्रचंडेश्वर के घर जाकर होल देते हैं। उसके आदमियों को तुम संभाल लेना, मैं लड़की लेकर छू हो जाऊंगा। घर जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रचंडेश्वर सामने ही है। वो प्रचंडेश्वर है, तू यहीं रुक। उसके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। उसे मार कर तेरी आइटम भगा कर वापस जाते हैं। भाई, रिटर्न भी विदाउट टिकट ही है। इस बार एयर फ्रेशनर ले लेना, सांस लेना भारी पड़ गया था। चलता जयराम। शादी की शहनाई बजा, मैं बैंड बजाने जा रहा हूँ। खुशी के इस माहौल में मैं तंदूरी चिकन खाऊंगा। यहाँ फ्री मिलेगी ना बॉस? फ्री? मतलब तू जेब में कड़क नोट नहीं लाया है? कड़क नोट की क्या बात करते हो, नरम नोट भी नहीं है। एटीएम कार्ड तो तेरे पास होगा नहीं, इसका मैटर निपटा के एक ग्लास वाटर पीते हैं। उसके लिए पैसे तो नहीं लगेंगे ना बॉस? दारू के लिए पैसे लगते हैं, पानी तो सरकार की तरफ से फ्री है। वाटर इज फ्री, गो। ए उजड़ी खेती, तेरी बेटी जवान है? हाँ है। तेरे पास माचिस है? नहीं है। नहीं? वहाँ जो लड़का है वो तेरी बेटी से प्यार करता है, मान जा टकलू, वरना लड़की उठा के ले जाएंगे। अगर नहीं माना तो यहीं काट देंगे। ये लंगूर सीरियस है क्या? शक्ल से तो एकदम सीरियस लग रहा है बॉस। तो मैं इसे आईसीयू में भेज देता हूँ। बुलेट प्रूफ है बॉडी। बचपन से ही हाजमे के लिए गन खाता हूँ। मुंह में खाकर एंट्री होती है, पेट में ग्राइंडिंग होती है और डिसेंट्री से वापस उसकी एग्जिट होती है। तुझे मारने के लिए गन नहीं चाहिए। ए, छोटी कुल्हाड़ी लेके आओ। पंच मारा है आपने? मुझे तो लगा कि आप धमकी देकर चुपचाप खिसक लोगे। पीछे वार करने वाले बहादुर नहीं होते, असली मर्द थे, सामने से वार किया। ये क्या बॉस, उन्होंने आपके छाती पर ये दो खुंटियां क्यों टांग दी? नहीं छोड़ूंगा, जब अगली बार हमारा आमना सामना होगा तो मैं उस टकले के टकले पर खुद टंग जाऊंगा। झंडू है तू, जब पता था कि वो लोग कुल्हाड़ी मारने वाले हैं तो यहाँ से भागे क्यों नहीं? धंधे के पेशे का उसूल यही कहता है कि भागने का नहीं। अब तू ऐसे रो क्यों रहा है? दर्द हो रहा है इसीलिए रो रहा हूँ। अब इसे निकालने का कष्ट करोगे? ये बैग बीच में लट रही है, इसे यहाँ निकालने से अच्छा है कि इसे ऐसे ही रहने दो ना, कुछ ना कुछ टांगने के काम आएगा। कुछ दिन यहाँ ठहर जाते हैं, जख्म भर जाए फिर शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक है। मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती करवा, 5 बोतल खून चढ़ा। यार अरे भाई साहब, यहाँ पास में कोई हॉस्पिटल है क्या? अरे भेजा हटेले, दिमाग फिरे ले। बॉस, आपने हमें कैसे पहचान लिया? थोपड़ा देखकर भूल थोड़ी सकता हूँ तुम्हें। बॉस, हमने हुलिया बदल दिया है। हुलिया क्यों बदला है? ये देखिए बॉस, ये भी देखिए बॉस। बेवकूफों, मस्सा लगाने या मूछ लगाने से तुम अलग नहीं दिखोगे। अपने गुरु का नाम तुम लोग मिट्टी में मिला दोगे। बॉस, आप ठीक तो हो ना? मेरी कंडीशन देखकर सवाल किया करो। बॉस चलिए चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल इस तरफ है? नहीं, इस तरफ है, इस तरफ है। लगता है पहले ही टपका देंगे। वाह, आज भी हमारे देश में नृत्य के कला के कदरदान सड़कों पर नाचते हैं। इन अम्माओं को देखकर मुझे मम्मा याद आ गई। लीजिए बॉस, घर आ गया। आराम से आ जाओ। संभल कर बॉस, ऐसा लगता है छाती पे नया नया ब्रिज बना है। किस मिनिस्टर से उद्घाटन करवाएगा? ठीक हो जाइए बॉस, बधाई हो, हड्डियां टूटने की आवाज आ गई। ज्यादा मत बोल, दांत तोड़ दूंगा। बॉस, आप बाहर से फुस है मगर अंदर से मजबूत है। ये कौन सी जगह है? मुंबई में धारावी है ना, उसी की जेरोक्स कॉपी है। झोपड़िया। मेरे आराम का प्रबंध कहाँ है? देखिए बॉस, सामने कितनी जगह है, लोग खर्राटे मार के सो रहे हैं। जल्दी कीजिए, नहीं तो कोई और जाके कब्जा कर लेगा। जल्दी कीजिए। मुझे रास्ते पर सोने को कह रहे हो? छी,
तुम दोनों भी यहीं सोते हो। हट, तुम्हें लगता है कि मैं और मेरा रोमियो यहाँ। फाइव स्टार, फोर स्टार, थ्री स्टार, झोपड़ी भी नसीब में नहीं है। ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूंगा। मच्छरदानी नहीं है? मच्छर तो है पर दानी नहीं। खोजा के काम चला लूंगा। मेरे बेटे को मारकर वो अपनी बेटी को अमेरिका भेजने का सपना कैसे देख सकता है? बलवीरा जिंदा है तब तक ये मुमकिन नहीं। जाएगी जरूर वो, लेकिन दुनिया छोड़ के जाओ, उड़ा दो। सुन टिंगू। बोल लंबू। बलबीरा पाशा प्रचंडेश्वर की बेटी को मरवा देना चाहता है। अगर हम दोनों अच्छा? मिलके बलबीरा की बेटी को उसके कदमों में डाल देंगे तो हम दोनों के किस्मत के सितारे चमक उठेंगे। तुम बनोगे बॉस के राइट हैंड और मैं बनूंगा लेफ्ट हैंड। सही कहा लंबू। तो चलो मिशन पर। भाई भाई क्या लापता निकाल भाई। अभी अभी तो मेरे दुकान खोली है, अभी तो बहुनी भी नहीं हुई है। अबे बुड्ढे, तेरी राम कहानी किसी और को सुनाना। मैं यहाँ फुर्सत से नहीं आया। पिछली बार क्या हालत की थी तेरी, भूल गया क्या? अगर मेरा हाथ उठेगा ना तो तेरे बचे कुचे दांत भी जबड़े से आ जाएंगे। तूने मुझे मारा, हर कुत्ते के दिन आते हैं बेटा, तेरे भी आएंगे। हाथ पे डंडा क्यों मारा? बॉस, रेंगने वाला कीड़ा। रेंगने वाला कीड़ा? हाँ? तुझे नस नस में खुन्नस और रेंगने वाले कीड़े में फर्क नजर नहीं आता? नस है तो फिर ये बाहर क्यों निकल रही है? बॉस, जब भी किसी मासूम पर अत्याचार होते देखते हैं तो उनके नस नस की खुन्नस बाहर आने लगती है। उस गुंडे को धोएंगे तभी शांत होंगे, देखते जाओ। बॉस वहां देखो, पतली सी कमर देख के अपनी उम्र भूले जा रहा है। देख मैं अपने खूंखार भेस में कैसे उसका फेस तोड़ता हूँ। कमर पकड़ने का शौक है तुझे? औरतों की उम्र का लिहाज है मुझे। गुंडे की आंख में खौफ दिखना चाहिए, कमर देखकर माइंड स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। जिस पतली कमर को देखकर तुझे करप्शन छोड़ के टेम्पटेशन हुआ, बॉडी में वाइब्रेशन हुआ, वो कोई यूथ नहीं, वो तो है पुराना टेलीफोन बूथ। आंटी, यू टर्न प्लीज। मुंह खोलिए। बूथ के अंदर से एक रुपए का कॉइन मिला, इससे आंटी के मुंह में नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। चिपक। अगली बार कमर को देखेगा तो उम्र कम हो जाएगी। तूने गुंडागर्दी करके काफी लोगों को डराया, आज के बाद सब बंद। बेटा, ये हमारे इलाके का कोई नया पुलिस वाला है क्या? नहीं दद्दू, ये भी पहुँचा हुआ एक लुखाई है। तू भड़केला है। मैं अभी तक भड़का नहीं हूँ, मैं भड़क जाऊँ उससे पहले निकल। मुझे धमकी देता है? तेरे लिए मेरा चेला काफी है, रॉकी। हाँ बॉस। समझा डाल इसे। ठीक है बॉस। एक बाप की अगर तू औलाद है ना तो साले अकेले मैदान में आके बता। मेरे बॉस तुझे दाएं से बाएं ऊपर से नीचे ऐसे धोएंगे कि तुझ जैसे नमर को पता नहीं चलेगा कि किस मर्द से पाला पड़ा है। ये सब मेरे बॉस कहना चाहते हैं। अबे ये सब क्या बोल रहा है? मैंने तुझे इतनू सा समझाने कहा था, तूने तो पूरा भाषण ही ठोक डाला। मेरी हड्डियां तोड़वाना चाहता है क्या? नो बॉस, मैं तो बस उसे आपके कहने पर डरा रहा था। हाँ। आप जारी रखिए, मैं दवाइयां लेकर आता हूँ। दवाइयां? बाइक क्यों निकाला? प्लम्बर तो नहीं? जालिम सिंह मर गया। इन्होंने जालिम सिंह को मार दिया। इन्हें लगता है मैंने मारा। ये कोई आम गुंडा नहीं है, सब गुंडों का डॉन है ये। डॉन है ये, डॉन। चलो, ये लोग मुझे अपना डॉन मान रहे हैं। इससे पहले कि इनका मन बदल जाए, इस पब्लिसिटी का भार अपने कंधे पे उठा लो। डॉन, 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 डॉन। आपसे आप गैंग लीडर।
डॉन बना हूँ तब से मुझे इसी एरिया में यहाँ वहाँ क्यों घुमा रहे हो? बॉस, पहले आप थोड़े से फेमस है, अब पूरा शहर आपको जानता है। हम चाहते हैं आप और ऊपर जाएं। बॉस, सारी जनता आपसे उम्मीद लगाए बैठी है, आप इनके लिए क्या करेंगे? आज तक मैंने तुम लोगों के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। तो उनके लिए किस खुशी में करूं? भैया, उस नए डॉन ने आपके जालिम सिंह को 1 लाख में ही टपका दिया। सच कह रहे हो? हाँ, सच कह रहे। तूफान भी उसका सामना करने से डरता है, गुंडों का बाप है वो। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसे लेकर आओ। तू ही है क्या वो गैंग लीडर? हाँ, गैंग भी यही है, लीडर भी यही है। ठाकुर प्रचंडेश्वर तुमसे मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलाका उनके कंट्रोल में है। वो कल 6 बजे तक था, 6:30 के बाद अब ये इलाका मेरे कंट्रोल में है। भाई का हुक्म है कि हम तुम्हें उनसे मिलने किसी भी हाल में ले आए। अगर वो मुझसे यहाँ आकर मिलता है तो उसूल के हिसाब से मैं विजिटिंग चार्ज नहीं लूंगा। अगर मैं वहां आया तो विजिटिंग फीस सर्विस टैक्स लगेगा। वो लोग खुद आपको बुला रहे हैं तो चुपचाप उनकी बात मान लो ना। भाई गिरी में अगर जल्दी हाँ कर दी तो दुश्मन हमें लल्लू समझता है। एक और डायलॉग लिख कर लाया था, तूने बोले का मौका ही नहीं दिया। प्रचंडेश्वर से कहना कि प्रेम पुजारी खाली नहीं बैठा है। हम जब से यहाँ आए तब से मैं गायत्री से मिल नहीं पाया हूँ। टकला सामने से चलकर आया है, हमें चांस मिस नहीं करना चाहिए। मान जाओ ना बॉस प्लीज। ठाकुर प्रचंडेश्वर से कह दो मैं आंधी की तरह आऊंगा, चाय पीऊंगा और एग्जिट करूंगा। बॉस, आप जानते भी हैं ठाकुर कौन है? होगा कोई कच्चा नींबू। आज तक उसने 500 लोगों को मारा है और 1000 गांवों को जला दिया। तुम दोनों 100 और 1000 में बात क्यों कर रहे हो? यहाँ पर उसी का राज चलता है, सारे डॉन का बाप है वो। डॉन, डॉन। लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। आज अमावस्या है, कल शनि की पनौती है, परसों जाएंगे वहाँ। बॉस, अगर ये मौका हाथ से जाने दिया तो मैं उस घर में कभी नहीं जा पाऊंगा। अगर ये मौका हाथ में ले लिया तो शायद उस घर से कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। क्यों? वैसे तुम मुझे फट्टू मत समझना, पर क्या वो मुझे डॉन समझेगा? हाँ समझेगा ना। कैसे? डॉन बनने के लिए हुलिया बदलना पड़ेगा। अरे बॉस, नीचे उतरो ना यार। घने बादल छाए हैं तो मुझे लगता है जोर से बिजली कड़केगी। हाँ, मौसम अच्छा नहीं लगता, वापस चलते हैं। अरे बॉस, कितने फट्टू हो तुम, हिम्मत रखो ना। मैं हूं ना। ठीक है। सलाम डॉन भाई। आप बैठिए, मैं भाई को बुला के लेके आता हूँ। सुन, तेरे भाई को बोल टाइम खोटी मत कर, अगर ज्यादा लेट हुआ ना तो बॉस वेटिंग चार्ज भी लेते हैं। मैंने ऐसा कुछ कहा? इम्प्रेशन के लिए बोल दिया। कम बोला कर। हाय रॉकी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बोलो कब और कहाँ मिलोगी? पागल हो गए हो क्या? यहाँ चारों तरफ पहरा है, निकलने नहीं मिलेगा। अरे मेरे बॉस सब संभालेंगे। अच्छा ठीक है, कल मैं मंदिर में जाने वाली हूँ, वहीं मिलेंगे। हाँ चलेगा। मेरी आइटम। डैडी आ रहे हैं, बाय। क्या हुआ? मुझे हल्का होना है। शौचालय कहाँ है? क्यों आया रे? इनकी
मेरी छोटी सी लव स्टोरी का मैं बड़ा बकरा बन गया। अब तो प्रचंडेश्वर मुझे हलाल करके ही छोड़ेगा। इतनू इतनू सा मैटर हाथ में लेने वाला तू गुंडा है, बड़ा मैटर हाथ में क्यों लिया? जब उसे पता चलेगा तू असली नहीं डुप्लीकेट डॉन है तो तेरे टॉन्सिल के वो छोटे छोटे टुकड़े कर देगा रे। आइडिया, मैं उसके चरणों में गिर जाऊंगा, मैं उसे माफी मांगूंगा और गांव जाकर वापस नौटंकी मंडली में शामिल हो जाऊंगा। वो नहीं माना तो मेरी मुझे मुंडवा कर गधे पर बिठाएगा तो मेरा क्या होगा? रोता है, शर्म नहीं आती? तू डॉन है, डॉन गैंग का लीडर है। पर वो तेरी मुझे मुंडवाएगा तो तेरी मर्दानगी का क्या होगा? काले चश्मे पहन ले, तेरी आंखों का डर उसे नहीं दिखेगा। अब बाहर जा और उसे अपनी नौटंकी का जलवा दिखा। जा। तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? जानता हूँ, एरिया की मांडवली करने। सेंट्रल रेलवे का हिस्सा तेरा, वेस्टर्न का मेरा, हाईवे तेरा, फुटपाथ मेरा, मॉल पे कब्जा तेरा, टोल नाके पे मेरा, शहर के सबवेज तेरे, डोमिनो पिज्जाज मेरे। सौदा तय, डील लॉक कर दो वरना मैं खुन्नस में आकर यहाँ से गाड़ी भाड़ा लेकर अपने आदमियों के साथ पैदल चला जाऊंगा। ठीक है भैया। आपने 5 नकली गुंडों को तड़पा तड़पा के मारने का हुक्म दिया था ना, उनमें से 4 तो हमें मिल गए हैं और एक अभी भी गायब है। ये अपने आप पर ठंडा पानी क्यों डाल रहा है भाई? लगता है गर्म मिजाज का है, अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए अपने आप पर ठंडा पानी डाल के गुस्सा ठंडा कर रहा है। नहा कर नहीं आए थे क्या? नहा कर तो आया था पर डर के मारे पतलून गीली हो गई, दिख जाता तो इज्जत जाती। बॉस, आपकी भाईगिरी देखकर लगता है उसकी पैंट गीली हो गई। तुम्हें कैसे पता चला? शुशु की बदबू नाक में घुस रही है। बदबू वहाँ से नहीं आ रही। तो कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। मतलब बॉस का हो गया वेट लॉस। सही बोला, तुमसे अकेले में बात करनी है। मैं भी तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। सालो, उनके गुंडे कैसे अच्छे गुंडों की तरह निकल लिए, तुम सभी क्यों नहीं खिसक लेते? बॉस, आपको अकेले छोड़ने में बहुत डर लग रहा है। प्रेम पुजारी कोई जंग लगी हुई आ रही नहीं है जो खुद की हिफाजत ना कर सके। निकलो यहाँ से जाओ। बॉस, ऑल द बेस्ट। हाँ। क्या है? चल पैर दबा। हाथों से दबा। देख, मुझे जो इज्जत तू यहां दे रहा है उसकी खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए। लग गई तो अच्छा नहीं होगा। किसके लिए? मेरे लिए। मम्मी, पापा, मम्मी। ए जाफर, इसे कुछ भीख देकर भगाया इसे। मालिक, चुप चुप चल, चला ले, चल जाता हूं। बॉस, आपने अंदर प्रचंडेश्वर को फाड़ दिया होगा ना? ऐसा फाड़ा कि सीना मुश्किल हो जाएगा। मतलब मान गया? मान जाएगा। आओ मेरे बहादुर शेरों। ओके बॉस। गायत्री, कुंवारी लड़कियां अगर इस पवित्र पानी में 3 बार डुबकियां लगाएं और देवी के आगे दिए जलाएं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जाओ गायत्री, तुम भी डुबकी लगा लो। गायत्री के निगरानी के लिए ये लोग हैं, हम लोग जाके दिए लेकर। जी अच्छा। ए, कड़ी निगरानी रखना। सुनटिंगो, बोलो लंबू। प्रचंडेश्वर की बेटी पानी के अंदर डुबकी लगा रही है। हम दोनों पानी के अंदर चलकर उसे वहीं से उठा लेंगे। ठीक है लंबू। अंडर वाटर मिशन शुरू। पानी में क्या कर रहे हो? तुमने पापा से हमारे बारे में बात की? रॉकी, अगर डैडी को पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। तुम्हारे प्यार में तो पहले ही मर गया हूँ। चलो जल्दी से चलकर शादी कर लेते हैं। शादी कर ले,
मुझे जाना होगा, मैं यहाँ ऐसे नहीं रुक सकती, मुझे जाने दो। कुछ नहीं होगा। क्यों? मेरे बॉस तुम्हारे गेटअप में पानी में डुबकियाँ लगा रहे हैं। खूबसूरत लगती है, पानी के अंदर उससे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। लबू क्या घाग रहा है? इश। सुन डिंगू। हाँ लबू। क्या जल परी हाथ लगी है, पानी के अंदर ही इससे मजे ले लेते हैं, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। चल हो जा शुरू। सुना था पानी में फड़फड़ती मछलियाँ होती हैं, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि कुत्ते पाँव चाट रहे हैं? देखो कौन है, दो पैर वाले कुत्ते। अग भाई मुझे असली लड़की समझ कर ये तंगड़ी कबाब के पीछे पड़ गए। जींस में आना चाहिए था मुझे। कुछ दिन और रुक जाओ, जब डैडी का मूड अच्छा होगा तब मैं तुम्हारे बारे में उन्हें बता दूंगी, वो मान जाएंगे। बड़ों का आशीर्वाद लेके शादी करे तो अच्छा होगा ना, प्लीज। ऐसा तो होने से रहा। देखो मुझे छोड़कर मेरी फैमिली में सारे लोग पढ़े लिखे हैं, और तुम्हारे फैमिली में तुम्हें छोड़कर सारे लोग अनपढ़ हैं। अगर मैं तुम्हारे अनपढ़ बाप के पास तुम्हारा हाथ मेरे लिए मांगने जाऊंगा, वो या तो मुझे सांड से कुश्ती करने को कहेंगे या फिर किसी पहलवान को पटकने के लिए बोलेंगे, और मेरी सिंगल पसली तो इन दोनों राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं होती। हाँ, मेरे जैसे सिंगल पसली या तो चेस या तो कैरम या फिर लूडो और वीडियो गेम में चैंपियन होते ही हैं। तुम्हारे बाप को मनाना बहुत मुश्किल है, मतलब हमारे रिश्ते को वो कभी नहीं अपनाएगा। हमारी शादी तो होने से रही, क्यों ना बिना शादी के ही। ठंडा ठंडा क्यों लग रहा है? वस्त्र हरण कर दिया। लेडीज स्कर्ट के अंदर मर्दाना जा गया, मुझे तो नया स्टाइल लगता है। आजकल का यही फैशन होगा। उलाला उलाला। चल टांग किस करते हैं, तू राइट वाली किस कर, मैं लेफ्ट वाली किस करता हूँ। ये क्या, मेरी इज्जत को दो मर्दों से खतरा है, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। चलो हम तुम घर छोड़ देते हैं, सपनों को जोड़ते हैं और दूर कहीं जाकर शादी कर लेते हैं, उसके बाद चाहे तुम्हारे वो आदरणीय पापा मान जाए। पापा नहीं मानेंगे। ससुर को कैसे मनाओ? ससुर जी को मनाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। तो अब तक चुप क्यों थे, बताओ। तुम और मैं और तुम। चलो भाग जाते हैं। ए टिंगू। हाँ लंबू। इसके पैर पर बाल कुछ ज्यादा नहीं लग रहे हैं? हाँ, इस पवित्र जल में मुझे जल समाधि लेनी पड़ेगी। मैं इन केकड़ों से अपनी जान बचाऊं या इन वस्त्रों में बाहर भाग जाऊं? भागना तो पड़ेगा ही। जल्दी खींच, जल्दी खींच। मर गई, अब ये मेरी इज्जत और जान का सवाल है, मुझे यहाँ से भागना ही होगा। आज तो पानी में आग लग के रहेगी। वो लड़की कहाँ गई? अरे रुक जा, जल्दी भाग रही है लंबू, जल्दी पकड़ो उसे। ऐसा लग रहा है जैसे कैरम के दो खिलाड़ी बची हुई आखिरी रानी की गोटी लेने के पीछे पड़े हैं। सच्चाई जानने के बाद पर्दा फाश ना हो जाए। रुक जाओ जाने वाली, रुक जा, कहीं क्रैश ना हो जाए। मैं दिल का मर गया, पीछे भूखे शेरों का वार, आगे बंद दीवार। जाने दो। सुनो लंबू, ये वो लड़की नहीं है लंबू। मैं कोई भी लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ। तुम्हें हम बेवकूफ लगते हैं? मैं सच कह रहा हूँ। बोलो, उसकी कसम खाने को तैयार हूँ। अरे मर्दाना आवाज निकालोगी तो क्या हम तुम्हें छोड़ देंगे? नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों पास बताना, मेरे पास से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एक तरफ आग और दूसरी तरफ धुआं। अरे टिंगू, हम तो बेवकूफ बन गए। समाज के डर से मैंने इसे बंद किया था, पब्लिक में तुमने इसे खोल दिया। सार्वजनिक जगहों पे सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं। ये कोई सार्वजनिक जगह है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। देखो तुम और से देखो, देखो देखो। गायत्री। ओह नो, आंटी बुला रही है, मुझे जाना होगा। गायत्री चलो चलो चलो, लेट हो रहा है। Thank you.
मार दो साली को। से हो? जी हाँ सर। तुम उस जोकर डॉन के साथ आए इसलिए मैंने तुम्हें गलत समझा, पर काफी दम है तुम में। ऐसा कुछ नहीं है। बस बस। तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं? मेरे पापा ऑडिटर है सर, माँ हाउसवाइफ है, बड़ा भाई बैंक में काम करता है, दूसरा भाई प्रोफेसर है और छोटा भाई इंजीनियरिंग कर रहा है और छोटी बहन एमकॉम कर रही है। तुम कितना पढ़े लिखे हो? मुझे पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं थी सर, पढ़ना मतलब मुझे बोझ लगता था। वो तो देखते ही पता चलता है कि तुम्हारी पढ़ाई में रुचि नहीं थी, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी बहुत ही खुदगर्ज होता है, लेकिन अनपढ़ इंसान दूसरों के बारे में सोचता है। तुमने इतने लोगों को आखिर अकेले मारा कैसे? मारने के लिए अच्छी बॉडी की जरूरत नहीं है सर, गर्ड्स होने चाहिए। तुम जो कह रहे हो उसमें जरा सा भी झूठ नहीं है, सच बोलने की आदत अच्छी लगी। शुक्रिया सर। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, मैं आज बहुत ही खुश हूं। मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूं, जो मांगना है मांगो। आपकी बेटी चाहिए मुझे। ठंडा लो यार, बात तो पूरी करने दो। सर आपने बोला जो मांगना है मांगो, तो मैंने मांग लिया। आप अपनी बेटी की शादी किसी से तो करवाएंगे ना, तो मुझसे करवा दीजिए। चुप साले, तूने ये सोच भी कैसे लिया? भाई ने थोड़ी इज्जत दी तो सर पे जाके बैठेगा। इसे उठाकर बाहर फेंक दो। Thank you.
अपनी जान दे दूंगी। मैं रॉकी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। देखो गायत्री, जल्दबाजी में कोई भी फैसला करोगी तो पछताना तुम्हें ही पड़ेगा। बेटी, जिंदगी का हर कदम मुश्किलों से भरा हुआ होता है। मैं तुम्हें मुश्किलों में नहीं देखना चाहता। बेटी, मैं तुम्हें सलाह देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे भविष्य की चिंता तुमसे ज्यादा मुझे है। तुम तो जानती ही हो मैं जिंदगी को हमेशा प्रैक्टिकल नजरिए से देखता हूँ। तुम पढ़ी लिखी हो और वो अनपढ़, दोनों के बीच ईगो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। छोटी लड़ाइयाँ बड़ी झगड़े का रूप ले लेंगी। तुम रोते हुए घर आओगी, अपने किए पर पछताओगी, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो जाएगी। बेटी, तुम मेरी बातें याद रखना। आप समझते क्यों नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रॉकी से। आखिर वो क्या करेगा तुम्हारे लिए? वो क्या कर सकता है इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। वो मुझे फट्टू समझता है। सही समझता है, मैं बाहर से नारियल अंदर से पपीता हूँ। पैर मैं दबाऊं और गुजराती थाली खाए तू? स्वीट डिश में रबड़ी खाने के बजाय तुझे उससे रोकड़ा लेना चाहिए था। वापस स्लीपर क्लास में जाने का खर्चा तो निकल जाता और बाकी पैसों से हमारा फ्यूचर बन जाता। वो तो अपनी दौलत लुटाने को तैयार था, पर ये खुद लुट कर आ गया। दुश्मन की गाड़ी। मारने के लिए मत निकलिए इसे। मारने नहीं, भागने में आसानी हो इसलिए निकाल के तुझे दे रहा था। मैं जाकर बाथरूम में छुपता हूँ। ये अकेले क्यों आई है? कहीं इसका बाप पीछे तो नहीं आ रहा? क्या करूं? कांप मत प्रेम, रास्ता नाप। हमेशा तो बॉडीगार्ड्स लेके घूमती रहती हो, आज अकेली आ गई। अब उनकी जरूरत नहीं है। क्यों? डैडी ने हमारे रिश्ते को कबूल कर लिया है। ये तो शरीफ विलन लगता है, इसे शहर का शरीफ बना दो। तुम जल्दी से घर जाओ, अपने परिवार को लेकर आओ और डैडी से मेरा हाथ मांग लो। बैड लक। मेरे करियर की 50वीं शादी मेरे आशीर्वाद के बिना की जाएगी, पर फिर भी मैं खुश हूँ। अरे बॉल उछालना बंद करो यार। रॉकी, आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम दोनों की लव स्टोरी का मेरी वजह से रिजल्ट निकला है। अब तो तुम मानते हो ना मैं प्रेम पुजारी हूँ। रुको, हम टिकट निकालना तो भूल ही गए। पहले ही कहा था ना रिटर्न भी विदाउट टिकट जाना होगा। विदाउट टिकट जाना कानूनन अपराध है, इसीलिए मैंने अपना नान चाकू लोखंड मार्केट में बेच दिया और 500 का जुगाड़ कर लिया। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब ज्यादा इमोशनल मत हो, जाकर टिकट लो। अरे नहीं, इसे तो मैं अपनी शादी के लिए नए जूते खरीदूं। मैं अपने लिए प्लेटफॉर्म से पूरी भाजी ना खरीदूं? अरे भाभी। हेलो। हाँ बोलो भाभी, कैसी हो? मुझे यहाँ जिंदा देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक गई क्या? कहना क्या चाहते हो? क्यों नफरत करते हो मुझसे? भूल गए आपने खुद ही अपनी बेटी को मुझसे शादी करने की इजाजत दी थी? तो अब आपको मुझसे क्या गिला शिकवा है? क्या जरूरत थी आपको आपकी बेटी के सामने ऐसा झूठा ड्रामा करने की? आप बहुत ही पहुंची हुई चीज हो, बेटी के सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हो और अपने आदमियों को मुझे मारने के लिए भेजते हो। तुम्हें मारने के लिए मुझे इतनी घटिया चाल चलने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें मारना होता तो उसी दिन मारता जब तुमने मेरी बेटी का हाथ मांगा था। तो फिर इसे क्यों भेजा? भैया, आप ही ने तो इसे मारने को कहा था। अरे मैंने कब कहा था? जिन्ना, एक लड़के की सुपारी मिली है। हाँ। इसमें उसकी फोटो है। ये लड़का मुझे जिंदा चाहिए, ये लो। आपने जो कवर दिया था उसमें इसी की फोटो थी। हो गया ड्रामा खत्म। वो सब बातें जाने दो, तुम काशी अंगारा को तो जानते हो ना? सेंट जेवियर्स कॉलेज मालूम है? तुम प्लीज कहीं जाना मत, 2 घंटे में एग्जाम देकर मैं वापस आ रही हूँ, ठीक है?
बाप को तो मार डाला, अब तेरी इज्जत लूटूंगा। उसके बाद तुम वहां से चले गए, लेकिन आगे क्या हुआ तुम नहीं जानते। काशी अंगारा तुमसे अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए तुम्हारी फोटो मेरे पास पहुंची। मैं जल्दी में था इसलिए तुम्हारी फोटो देख नहीं पाया। फोटो में जो लड़का था उसे मारने के लिए मैंने ही कहा था, पर अंदर तुम्हारी फोटो है ये मैं नहीं जानता था। काशी अंगारा के गुस्से से कोई नहीं बच सकता, वो तुम्हें ढूंढ कर जरूर खत्म कर देगा। इंडिया के सारे बड़े बड़े माफिया के पास तुम्हारी फोटो है, आज नहीं तो कल तुम जरूर मारे जाओगे। अगर मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी तुमसे करवाता हूं तो वो तो दो दिन में विधवा हो जाएगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बाप हूं उसका। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं बचने के, एक उसके कदमों में गिरकर माफी मांग लो, दूसरा काशी अंगारा का मुकाबला करके उसे खत्म कर दो, फिर मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगा। हेलो पप्पू भाई का खूनी प्रचंडेश्वर के घर पे छुपा हुआ है। किसका फोन? प्रचंडेश्वर भाई के आदमी का। पप्पू भाई का खूनी उन्हीं के घर पे छुपा हुआ है। ठाकुर प्रचंडेश्वर, अपने दामाद को बाहर भेज। वो कमीना मेरे हाथों जरूर मरेगा, तेरी बेटी को विधवा होने से कोई नहीं बचा सकता। मेरी बेटी उससे प्यार करती है, शादी करना चाहती है, इसलिए मैंने यहाँ कहा। मुझे पता नहीं था कि उसने तेरे भाई को मारा है। अगर उसने किसी और को मारा होता तो मैं बीच में ना आता, लेकिन उसने मेरे भाई को मारा है। वो वापस नहीं लौटेगा। जब मुझे पता चला कि मेरे भाई का कातिल तेरे घर छुपा है, उसी वक्त हमारी दोस्ती टूट गई। अलाहाबाद हो, कलकत्ता, रत्नागिरी, नागपुर हो या दिल्ली, मैं उस चूहे को उसकी किसी भी बिल से ढूंढ निकालूंगा। मेरे वार से उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। उसे ऐसी मौत दूंगा कि उसकी रूह भी कांप उठेगी। सब तबाह हो गया। काशी के आदमी तुम्हें ढूंढते हुए आए थे, अगर तुम्हारा पता नहीं बताया तो सबको मारने की धमकी दी है। अरे, पर मैंने ये सबको जानबूझकर थोड़ी किया था। मैं खुद जाकर उसे सब कुछ बता देता हूं। वो तुम्हें देखते ही मार डालेगा। चलेगा, मुझे जाकर उसे सच्चाई बतानी होगी, चाहे अंजाम जो भी हो। हमारे आदमी उसे चारों तरफ ढूंढ रहे पर वो अब तक नहीं मिला। वो शहर छोड़कर जाए उससे पहले अपने आदमियों को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, हार्बर, हर जगह पहरा देने के लिए कहो। भाई, मैंने जो कुछ भी किया वो अनजाने में हुआ। वो लड़की से बदतमीजी करा था इसलिए मैंने हाथ उठाया, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो मर जाएगा। जो भी हुआ वो सब एक एक्सीडेंट था भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे सच्चाई का कल ही पता चला इसलिए मैं माफी मांगने आ गया। चल, मैं तुझे माफ कर भी दूं, लेकिन मेरे भाई की आत्मा तुझे कभी माफ नहीं करेगी। तुझे भी मैं उसी के पास भेज देता हूँ। भाई, जो हो गया सो हो गया, बैठकर मसला हल कर लेते हैं ना। तो क्या मैं इतनी दूर से यहाँ अपनी फौज के सामने तेरे से गप्पे लड़ाने आया हूँ? हाँ, आप इतने सारे आदमियों को मुझे मारने के लिए लाए हैं? हे, मतलब तू मुझे कायर समझता है? तुझे लगा कि मैं तेरे डर से इतने आदमी लाया हूँ? अगर मैं अकेला भी आता ना तो तुझे ठोक डालता। हे, सुना तुम लोगों ने, ये मुझे चैलेंज दे रहा है। बहुत अच्छे, वाह। मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे छोड़ दो, मैं शहर छोड़ दूंगा। छोड़ दूं तुझे? मेरे भाई को मारा था ना तूने, अब मुझे हरा कर दिखा। पक्का छोड़ दूंगा तुझे, फिर चले जाना। मेरी क्या हिम्मत जो मैं आपको मारूंगा। क्यों बे साले,
डर लगता है भाई। क्या कहते हो, अगर ये मुझे मार सका तो जाने दे इसे। डर मत, अगर तूने मुझे मारा तो मेरा कोई भी आदमी तुझे नहीं छुएगा भाई। मार भाई, जाने दो ना भाई। मारना भाई, छोड़ दो ना प्लीज। मारना भाई, मारता क्यों नहीं? मैं मारूंगा तो मर जाएगा। Hey!